हेलो दोस्तों, आई एम डाइटेशन अमनदीप सिंह। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ज्यादा हम खुले में इसको डिस्कस भी नहीं कर पाते, लेकिन आई एम श्योर कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो और ये टॉपिक शेयर करेंगे। दोस्तों, बॉडी बिल्डर्स के बारे में कहा जाता है कि ये नामर्द होते हैं, इंजेक्शन या स्टीरॉयड्स लगा लगा के ये सेक्सुअली वीक हो चुके हैं और इनफर्टाइल भी है, मीन्स ये बच्चा तंदुरुस्त बच्चा पैदा नहीं कर सकते। बहुत ऐसी बातें सुनने को मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्टीरॉयड में होता क्या है, इसको लेते क्यों है। बॉडी बिल्डिंग का जो मेन हार्मोन है जिसने आपका बॉडी का साइज या मसल बढ़ाना है, उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। उसी हार्मोन से आपका लड़कों और लड़कियों का फर्क भी बढ़ता है, जैसे दाढ़ी आना, आवाज थोड़ी हैवी होना या मसल्स बनना। लड़कियों में लड़कों के मुकाबले 10 गुना कम टेस्टोस्टेरोन होते हैं, इसीलिए ये जेंडर डिफरेंस रहते हैं। और मसल बनाने के लिए जो टेस्टोस्टेरोन की नॉर्मल रेंज है उसको बढ़ाने के लिए और बहुत तेजी के साथ मसल को ग्रो करने के लिए बॉडी में आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन डाले जाते हैं, जिसको हम स्टीरॉयड्स बोलते हैं, जो इंजेक्शंस या गोलियों के थ्रू भी लिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है और उसमें बहुत जल्दी आपके मसल भी बढ़ने लगते हैं। ये एक अलग टॉपिक है कि वो मसल ज्यादा टिकेंगे नहीं, इस वीडियो में मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है आर्टिफिशियली, जिसको हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी जो खुद प्रोड्यूस करती है उस टेस्टोस्टेरोन को बंद कर देती है, क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन ओवर होंगे तो आपकी लिवर डैमेज हो सकता है या हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसके कारण बॉडी अपना खुद का टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है। जो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन है उसी पे ही चलता है, उससे आपका मसल चलता है, मसल बन रहा होता है, जो भी आप इसको साइकिल बोलते हैं। उसके बाद इस साइकिल को, जिसको हम बोलते हैं TRT, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिप्लेस कर रहे हैं ये टेस्टोस्टेरोन को, और उसके बाद आपका ये कोर्स खत्म, बॉडी बन गई, आपने एक PCT बोलते हैं, पोस्ट साइकिल थेरेपी, मींस जो आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन बॉडी में डाले थे वो वॉश कर दिए, निकल गए। उसके बाद क्या, जो आपकी बॉडी खुद टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती थी वो नहीं प्रोड्यूस कर रही, वो बंद है, आर्टिफिशियल आपने बंद कर दिए, बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही। उसके बाद कुछ साइकिल है, थेरेपी भी लेते हैं कि ये बॉडी दोबारा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करे, लेकिन 4-6 महीने लग सकते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि बॉडी पूरी उम्र वो टेस्टोस्टेरोन वापस प्रोड्यूस करेगी नहीं। और जब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम बोलते हैं मर्दानगी, वो बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं करेगी तो सब कुछ वाजिब है। मैं बताता हूं कि क्या क्या हो सकता है उसके कारण। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है या प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम होगा। स्पर्म कम होगा तो डेफिनेटली आप जल्दी बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, या स्पर्म की क्वालिटी वीक होगी तो बच्चा तंदुरुस्त नहीं होगा। श्रिंक टेस्टिकल्स, सारे टेस्टोस्टेरोन टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होते हैं और स्टीरॉयड्स उनको श्रिंक करते हैं, उनकी पूरी कैपेबिलिटी हार्म हो जाती है, डिसरप्ट्स नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लो लिबिडो, आपकी सेक्स ड्राइव बहुत कम रहेगी अगर आप में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन बंद हो गई, जो हो चुकी है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स डिसफंक्शन, आपकी ऑर्गन में इरेक्शन ही नहीं आएगी, जिसको हम बिल्कुल नामर्द ही बोलेंगे। एंड द लास्ट इज इनफर्टिलिटी, अगर आपकी ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो डेफिनेटली आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। सो दैट इज द रीजन कि ये जो स्टीरॉयड्स ले रहे हैं, आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन, एनाबॉलिक टेस्टोस्टेरोन बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, ये वैसे तो सारी बॉडी के लिए खतरनाक है, लेकिन ये जो कहा जाता है कि बॉडी बिल्डर्स जो प्रोफेशनल स्टीरॉयड लेके बनाते हैं वो नामर्द हो जाते हैं, ये रीजंस हैं। काफी लोग रिकवर भी कर जाते हैं, लेकिन जो डैमेज हुआ है वो तो होता ही है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।